हमने कई मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक मूवीज़ होती हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन पे ख़ानदानी दुश्मनी चलती आ रही है और बस एक दूसरे को ख़त्म करने पे लग रहे हैं लेकिन अगर मैं कहूँ वाइल्ड लाइफ में भी ऐसी आपसी रंजिशें और ऐसी ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं आपके लिए मानना बहुत मुश्किल होगा लेकिन आज ऐसी स्पीशीज की मैं बात करने जा रहा हूँ हे गाइज दिस इज ऑफ अग्रवाल फ्रॉम अपटर्न लेट्स गेट फ्रामेड टू टूडेज वीडियो मानने में तो बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन कई सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं और कई सारे जो खास करके एनिमल रिसर्चर्स है जुअलॉजिस्ट हैं उनका मानना ये है कि दो ऐसी बर्ड्स में प्रजातियां हैं जो आपसी रंजिशों में कई सालों से लगे हुए हैं अब एग्जैक्टली कितने सालों से ये तो हमें नहीं पता लेकिन ये जनरेशन टू तो जनरेशन नेचुरली ही एक दूसरे के दुश्मन है और इनके नाम है आउल यानी उल्लू और कौवे बिल्कुल ये दोनों नेचुरली डिफॉल्ट ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं यानी कि अगर कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर एक उल्लू ने और एक कौवे ने एक दूसरे को देख लिया तो ये एक दूसरे को मारने पर आएंगे हाथापाई करने लगेंगे क्या दुश्मनी है क्यों है किस तरीके से इसकी कई सारे लोग इस चीज़ को डी करने पर लगे हुए हैं कुछ लोग तो बड़े ड्रामेटिक uh, वे में ये बात भी कहते हैं कि भाई क्रोज़ की मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है और क्रोज़ डेफिनेटली एक फैक्ट है कि क्रोज़ uh, की मेमोरी जो है वो जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन होती है तो कई लोग एक डेली सोप एंगल टाइप्स भी देते हैं कि नहीं कभी कुछ हुआ होगा कई सौ साल पहले और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है इसीलिए क्रोज़ और आउल्स की दुश्मनी है बट साइंटिफिकली इसके कई सारे रीजंस दिए गए हैं ऐसा क्यों होता है हर एक को डी करना तो डेफिनेटली मुश्किल है लेकिन अपने आप में यही बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि टेरिटरी के लिए नेस्ट के लिए ये फाइट ज़्यादा होती है अब कितनी सच्चाई कितना झूठ ये तो आपको कई रिपोर्ट्स में मिल ही जाएगा